टूटे हुए धागे को जोड़ना एक मुख्य स्किल है जिसे पीसिंग कहते हैं। इस स्किल को करने के लिए मशीन ऑपरेटर किस तरह खड़ा होता है ये आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। रिंग फ्रेम मशीन में धागा बनकर जिस बॉबिन पर लिपटता है उसे कोप भी कहते हैं। पीसिंग करने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ के अंगूठे से दूसरी उंगली से स्पिंडल ब्रेक को ऊपर की तरफ उठाएं तथा ब्रेक को पकड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे के सिरे से कोप को ऊपर उठाएं। अब दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूठे से पहली उंगली दोनों को मिलाकर कोप में से टूटे हुए धागे के छोर को ढूंढकर एबीसी रिंग तथा लैपेट हुक में से निकालें तथा धागे के छोर को अपनी तरफ खींचकर दाएं हाथ की बाकी बची तीन उंगलियों में दबाएं। अब उठी हुई कोप से बाएं हाथ के अंगूठे व बाएं हाथ के अंगूठे से दूसरी उंगली को हटाएं। अब बाएं हाथ के अंगूठे से पहली उंगली से कोप को कसकर पकड़ें ताकि कोप रुकी रहे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को रिंग की किनारी पर रखें ताकि छल्ला यानी रिंग ट्रैवलर रुक जाए। अब दाएं हाथ के अंगूठे व अंगूठे से पहली उंगली से पकड़े हुए धागे को रिंग तक लेकर आएं। उसी समय बाएं हाथ के अंगूठे से धागे के बीच वाले हिस्से को रिंग की किनारी से दबाएं। अब दाएं हाथ से धागे के छोर को खींचते हुए रिंग ट्रैवलर यानी छल्ले में से निकालें। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे व अंगूठे से पहली उंगली से पकड़े हुए धागे के सिरे को ऊपर की तरफ खींचें तथा बाएं हाथ के अंगूठे से पहली उंगली द्वारा स्पिंडल ब्रेक को नीचे कर दें। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे व अंगूठे से पहली उंगली से पकड़े हुए धागे के सिरे को बाएं हाथ के अंगूठे व पहली उंगली से अच्छी तरह पकड़ें। इसके बाद दाएं हाथ की पहली उंगली के सिरे से 10 mm से 12 mm अंदर की तरफ धागे को दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ें। अब बाएं हाथ से पकड़े हुए एक्स्ट्रा धागे को पकड़कर ऊपर से टाइट करते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से दूसरी उंगली द्वारा झटके के साथ 10 mm से 21 mm लंबाई के धागे को तोड़ें। अब कटिंग किए हुए धागे को सीधा रखते हुए दाएं हाथ के अंगूठे व अंगूठे से पहली उंगली से 8 से 10 mm ट्विस्ट देते हुए अगले जोड़े के रोलर निप से निकलते हुए रेशे के साथ पीसिंग कर दें। इस तरह यह धागा पीसिंग करने का सही व स्टैंडर्ड तरीका है। धन्यवाद।